हेलो एंड वेलकम बैक टू द वेगा प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर पियर्सन बुक से कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 से 30 तक करेंगे। इस वीडियो में हम लोग लेवल 1 पूरा पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इफ रूट अंडर 13 माइनस एक्स रूट 10 इक्वल टू रूट अंडर 8 प्लस रूट 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इस सवाल में क्या कहना करना है हम लोग को, देखिए यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर वैल्यू दिया हमारा 13 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 10 इक्वल टू ये क्या है रूट 8 प्लस रूट 5 के बराबर। तो हम लोग क्या करना होगा, देखिए इधर क्या है रूट के अंदर है और इधर क्या रूट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं स्क्वायर हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इधर का रूट वाला वैल्यू हमारा हट जाए। यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा 13 माइनस एक्स रूट 10 इक्वल टू रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, और इधर क्या है स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया यहाँ से रूट हट गया, तो क्या 13 माइनस एक्स रूट 10 इक्वल ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो रूट 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 प्लस रूट अंडर 5 का, रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा प्लस 2ab। यहाँ पर क्या हो गया 13 माइनस एक्स रूट 10 इक्वल टू 8 पास क्या हो गया 13 प्लस ये क्या हो गया 2 रूट अंडर 40। अब देखिए रूट अंडर 40 को क्या लिखा जा सकता है, रूट अंडर 40 को लिख सकते हैं 2 20 2 10, इसको लिख सकते 2√10। क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखिए हमारा रूट 10 यहाँ पर है तो रूट 10 यहाँ पर भी रहना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे इसको इक्वेट कर पाएंगे LHS और RHS को पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 13 माइनस एक्स रूट 10 इक्वल टू 13 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2√10। यहाँ से क्या हो गया 13 माइनस एक्स रूट 10 इक्वल टू 13 प्लस 4√10। यहाँ से क्या हो गया 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या माइनस एक्स रूट 10 किसके बराबर होगा 4√10 के। यहाँ से क्या हो गया रूट 10 भी इधर है इधर भी रूट 10 है, तो ये इक्वेट कर सकते हैं, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। इफ द सर्ट फोर्थ रूट ऑफ रूट 4 6th root of 5, 8th root of 6 and 12th root of 8 are arranged in the ascending order, then left to right, then the third search from the left is। हम लोग इसको arrange क्या कर रहे हैं ascending order, मतलब क्या increasing order में इसको हम लोग को arrange करना है, increasing order में arrange करना है, increasing order मतलब छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4th root of 4, यहाँ 6th root of 5, 8th root of 6 और 12th रूट ऑफ 8। तो यहाँ पर क्या हो गया 4th रूट ऑफ 4 मतलब कि 4 को पावर 1/4 लिख सकते हैं, 5th रूट ऑफ 6th रूट ऑफ 5 क्या है 1/6, 6th रूट ऑफ 1/8, यहाँ पर क्या 12th रूट ऑफ 1/, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम 4 6 8 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से 2 2 3 4 6, 2 यहाँ से क्या हो जाएगा 3, तो यह 3 2 6 6 2 12 12 24, तो यहाँ एलसीएम क्या होगा 24। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 1/4 और इसको हम लोग क्या लाना 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 रखना होगा, 5 1/6 इंटू 4 यहाँ पर क्या रखना होगा 6, 1/8 यहाँ पर क्या करना होगा 3/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 8 1/2 यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर क्या हो गया 4, यहाँ पर 6/24 यहाँ पर क्या हो गया 5, 4/24 यहाँ हो गया 8, 3/24 यहाँ पर 8, 2/24। तो देख रहे हैं सबका इंडिसेस क्या आ गया सेम आ गया, इसको लिख सकते 24th रूट 4 पर पावर 6, यहाँ पर क्या हो गया 24th रूट 5 पर पावर 4, यहाँ पर क्या हो गया 24th रूट 6 पर पावर 3, यहाँ पर क्या हो गया 24th रूट
यहाँ पर 8 to power 2, इसको तोड़ेंगे क्या होगा 4 to power 6, क्या होगा 256। यहाँ पर 24 रूट है, यहाँ पर क्या होगा 5 5 25 है, 625 हो गया इसका 24। 6 to power 3 है क्या 216, यहाँ पर क्या होगा 24, 24 रूट, और ये क्या है 64, क्या होगा 24। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिसेस को भूल जाते हैं, सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो हम लोग क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है, तो सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है 64 है, उसके बाद क्या है हमारा 216 है, उसके बाद थर्ड वाला क्या है 256, और उसके बाद क्या सबसे बड़ा 625, यानी कि ये सबसे थर्ड वैल्यू है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बढ़े मतलब ये सबसे थर्ड है, तो ये क्या है 4th root of 4th, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोले √11 × √11, मतलब उस पूरे रूट के अंदर क्या है √11 फिर √11, तो ये क्या 4 terms रिपीट कर रहा है, 4 times रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखे 11 × √11 फिर उसके अंदर 11 फिर ऐसे करके 4 terms चल रहा है। इन सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूँ देखिए, तो एक इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a^(n-1/2n), वेयर n क्या है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट, ये नंबर कितना बार रिपीट कर रहा है, और a क्या है बेस है, यहाँ पर क्या हमारा बेस हो गया 11, a क्या हो गया हमारा 11 और n क्या हो गया 4 terms, यहाँ पर इसको पुट करेंगे 11^2^4 - 1/2^4, ये क्या हो जाएगा 11^2^4 क्या होगा 2^4 = 16 -1/16, तो ये क्या हो जाएगा 11^15/16, तो क्या हो जाएगा 16th root 11^15, 16th root 11^15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16th, इसमें ऑप्शन क्या है डी नंबर ऑप्शन है 16th root 11^15। बढ़ते अगले स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वैल्यू निकालना, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हमको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है तो हमको क्या है इस वाले टर्म को इस फॉर्मेट में हमको लिखना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल्स है, तो किसी भी मैथ में सॉल्व करने के लिए क्या करता है टू इक्वेशन टू अननोन, लेकिन यहाँ पर क्या हमारा एक ही इक्वेशन दिया हुआ, तो हम इसको किस मेथड से निकाल सकते हैं कंपेयर करके निकाल सकते हैं, दो वैल्यू का x+√3 यहाँ पर = x+y√3, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे 5 √3/2+√3 (2 √3/2 √3), यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 10 - 5√3 - 2√3 + √3√3 × 3, यहाँ पर क्या हो गया a+b और a-b, तो a² - b² तो 2² - √3² ये क्या हो जाएगा 10+3 - 7√3, ये क्या हो जाएगा 4 - 3, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया 10+√3, तो यहाँ पर क्या होगा 10+3 तो 13 - 7√3/1, तो यहाँ पर क्या हो गया 13 - 7√3, यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे किससे 13 - 7√3, तो देखिए x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 13 हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया -7 हो गया, तो x का वैल्यू 13 है तो यहाँ 13 देखिए, और y का वैल्यू क्या है हमारा -7 है, तो ए ऑप्शन राइट हो गया। 25 देखते हैं क्या कहता है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ √125 + √125 - √845, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग √5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं √5 × 13 × 13 लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 5√5 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5√5 हो जाएगा, यहाँ माइनस
13 रूट 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 रूट 5 माइनस 13 रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 रूट 5। यहाँ पर ऑप्शन में गलत है, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 रूट 5 आंसर हो जाएगा। Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? इसमें क्या है? If x is conjugate set of y, then x can be rationalizing factor of y. और if x is a rationalizing factor of y, then x need not to be conjugate of y. मतलब क्या है कि अगर x is a conjugate set of y होगा, x अगर उसका conjugate set है, तो x rationalizing factor होगा। मान लेते हैं कि 2 minus root 3 है, यहाँ पर 2 plus root 3। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आएगा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का डेफिनेशन ही क्या है कि जब दो सेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका वैल्यू क्या है, रैशनल नंबर हमको दे दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर एक दूसरे का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 2 भी हमारा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं इसको। इफ 3 माइनस 2 रूट 5 बाई 6 माइनस रूट 5 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5, वेयर ए एंड बी आर रैशनल नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम लोग को क्या है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शन हमारा 3 माइनस 2 रूट 5, 6 माइनस रूट 5 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी रूट 5। यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल से, दो वेरिएबल होने के लिए दो इक्वेशन का आवश्यकता पड़ता है हमेशा, लेकिन क्या है, हमें एक ही इक्वेशन दिया हुआ उससे दो वेरिएबल, तो हम लोग क्या है, कंपेयरिंग मेथड का यूज करेंगे। तो इसको पहले हम लोग क्या करना होगा, इसको हम लोग को रैशनलाइज करना होगा, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन अपोजिट करके उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, 6 3 18 माइनस, यहाँ पर प्लस होगा 3 रूट 5 माइनस 12 रूट 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 10 बाय ए माइनस बी का, और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर माइनस 2 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 माइनस 9 रूट 5 माइनस 10 बाय 36 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 9 रूट 5 बाई 31। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 बाई 31 माइनस 9 बाई 31 और रूट 5। तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा 8 बाई 31 और b का वैल्यू क्या हो गया माइनस 9 बाई 31। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 8 बाई 31 माइनस 9 बाई 31, तो ऑप्शन b इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, इफ 3 पर पावर 5x इंटू 81 पर पावर 2 इंटू 6561 बाई 3 पर पावर 2x इक्वल टू 3 पर पावर 7, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, 3 पर पावर क्या हमारा 5x है इंटू 81 है, तो 81 को क्या ले सकते हैं 3 का पावर 4 और उस पर पावर क्या होल स्क्वायर इंटू 6561 को क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 8 लिख सकते हैं बाय 3 पर पावर 2x equal to 3 power 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 को पावर 5x into, जब a को पावर m और उस पर पावर n रहता तो क्या लिखते हैं a को पावर mn मल्टीप्लाई हो जाता, तो उसी तरह 4 into 2 3 को पावर 8 into 3 को पावर 8 by 3 को पावर 2x equal to 3 को पावर 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, when bases are same, when we multiply bases are same, power are added, तो 3 को पावर 5x plus 16 और यहाँ पर क्या डिवाइड में तो क्या हो जाएगा माइनस 2x equal to 3 पर पावर 7। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 पर पावर 3x plus 16 equal to 3 पर पावर 7। तो LHS और RHS में जो बेसिस सेम होता है तो पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x plus 16 equal to 7, तो 3x equal to यहाँ पर क्या होगा 3 9 हो गया, तो यहाँ पर 7 minus 16 होगा, तो 3x equal to minus 9, यहाँ पर क्या हो गया माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 ऑप्शन में क्या है बी, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 नंबर क्या कहता है, रूट अंडर
2 पे पावर n इक्वल टू 10 24. ये क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा 2 पे पावर n, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 10 और इधर स्क्वायर, तो 2 पे पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पे पावर 20. तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20, क्योंकि हम बेसिस सेम होता है LHS साइड में, तो हम पावर को क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं. n इक्वल टू क्या हो गया हमारा 20 हो गया. तो 3 पे पावर n by 4 minus 4 का वैल्यू निकालना, तो 3 को पावर 20 by 4 minus 4, तो यह हो गया 4 5 जा 20, तो 3 को पावर 5 minus 4 that is 3 को पावर 1 that is 3, तो 3 is the right answer, A is the right answer. क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, लेवल 1 का ये लास्ट क्वेश्चन. Equal to 7 को पावर n. यहाँ पर एक चीज तो हम लोगों को पता है कि a को पावर n, उस पे पावर n, उस पे पावर 4. तो अगर इस तरह से देगा तो हम क्या कर सकते हैं, a को पावर n into 4 कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए बेसिस के 1 by 7 का स्क्वायर, तो उस पर पावर दिया हुआ क्या, इस पर पूरे पर पावर दिया हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं minus 2 into minus 1 by 3 into 1 by 4 equal to 7 को पावर n. यहाँ से क्या 2 को 4 से कटेंगे 2 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 by 7 को पावर 2, और ये क्या हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 by 6, तो ये क्या हो जाएगा 7 को पावर m. यहां से क्या हो जाएगा जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 को पावर माइनस 2 और into 1 by 6, तो ये क्या हो गया 7 को पावर m. यहां से ये करिए 3 और 3 क्या हो गया 7 को पावर माइनस 1 by 3 इक्वल टू 7 पावर m. तो LHS और HHS में जब ये बेसिस सेम होगा तो पावर क्या होगा इक्वेट कर सकते हैं, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 3. ऑप्शन हमारा क्या है, ए इज द राइट आंसर. इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना